खबर कानपुर देहात से है, जहां महाकवि भारती के रूप में लोकप्रिय चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाए जाने हेतु माननीय सदस्य भाषा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर आभा द्विवेदी व जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय भाषा दिवस का आयोजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर आभा द्वारा भाषा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भाषा के महत्व को समझने हेतु किसी भी भाषा के समान ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने से लेकर इन भाषाओं के समृद्ध अंतर प्रभाव, आभा और अंतरों को समझना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे छात्र विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं, जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना, भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पदों व पंक्तियों तथा प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में भी सीख सकें। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दिनव के साथ ही विविध भाषाओं का ज्ञान रखने के साथ ही भारत की एकता, सुंदर सांस्कृतिक विरासत तथा इसकी विविधता की भावना से ओतप्रोत करने से ही संदेश दिया कि आप सभी अपने पूरे जीवन भर भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने जुलने में भी सहज महसूस करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी प्यारे बच्चों, आज एक रविवार मिलता है सभी बच्चों को भी और अधिकारियों को भी। उस दिन ये व्यवस्था बना पाना अध्यापक से लेकर बच्चों से लेकर अधिकारियों तक बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन विषय है। और इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा लग रहा है, मतलब एक आई मैं भी भागते हुए ही हूँ लिटरली, लेकिन जैसे कहा गया कि एक उत्सव के रूप में आज भाषा को मनाना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी बेटा आप सभी को कि इसकी उपयोगिता क्यों है। आप लोगों को इसमें से बहुत से लोग हैं जिनको ये लग रहा होगा, बच्चों को भी, कि अरे बेकार में ऐसे और एक दिन मिलता है हम लोगों को घर में या खेलने के लिए या अपनी सभी और कार्यों के लिए। तो पहले मैं अपना बहुत सूक्ष्म परिचय दूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जिलाधिकारी महोदया, मेरी बहुत प्यारी मित्र, जिनको शायद उनको भी ये जानकारी नहीं है कि मैं एक प्रवक्ता थी, एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी रसायन विज्ञान की। मैं डबल एमएससी हूँ केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान में, और उसी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, उसी में पीएचडी होल्डर भी हूँ। उसके बाद भी मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, मैंने वो जॉब डिग्री कॉलेज का छोड़ दिया, क्योंकि मेरा बचपन से ही अध्यात्म और समाज सेवा में बहुत मन लगता था। और आपको जान के बहुत हैरत होगी, ये बात किसी को नहीं मालूम है, इसलिए मैं आप सभी से आज एक बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए एक चीज बता रही हूँ कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे आपके साथ समय बिताना था। फिर जिंदगी के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, चीज़ें बढ़ती गईं, मुझे लगा कि मैं उतना समय उतना न्याय नहीं कर पा रही हूँ, और समय ने मुझे धीरे धीरे आयोग में पहुँचा दिया। भाषा आयोग की बात करती हूँ, भाषा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी है? ये उचित स्थितियां नहीं होती हैं जब किसी भी चीज के लिए आयोग के गठन की आवश्यकता पड़ जाए। पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भाषा कमजोर हो रही थी। हम उस देश में रहते हैं जहां पर अंग्रेजी के लिए एक और हिंदी के लिए दो दबाना होता है, ये शर्म की बात है। और इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि आप सब मिलकर और हमारे ये जो इतने वरिष्ठ अधिकारी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम हिंदी को वहां लेकर जाएं जब हमारे देश में हिंदी के लिए हमेशा एक दबाना पड़े और मातृभाषा से जुड़ा हो। हम सभी को अपनी अपनी मातृभाषा में महारत हासिल है। अब जरूरत हुई आयोग की इसलिए क्योंकि 5 ऐसी भाषाओं का चयन किया गया जिनके संवर्धन के लिए, जिनकी समृद्धि के लिए, इसका अर्थ ये होता है, बच्चों को मैं बता रही हूँ, ये ना लगे कि बहुत कठिन शब्दों का मैं चयन कर रही हूँ, कि उनकी देखभाल के लिए। भाषा भी जैसे घर में एक बच्चा होता है, एक बालक बालिका होती है, उनकी देखभाल हम करते हैं, उसी प्रकार भाषा को भी देखभाल की जरूरत पड़ी। वो भाषा थी हिंदी भाषा। हमारे आयोग में 5 भाषाएं चयनित हुई, हिंदी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी और उर्दू। इसी मध्य उर्दू के लिए एक अलग संस्थान बना दिया गया,
सरकार ने उर्दू को समृद्ध करने के लिए एक पूरा संस्थान अलग से बनाया। अब हमारे पास मुख्य अभी हैं पांचों भाषाएं, लेकिन मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश हमारी धरा की चार भाषाएं हैं। हम लोग क्षेत्र भी चार बांटते हैं, आप लोगों को जानकारी ब्रज क्षेत्र होता है, पूर्वांचल है, अवध है और बुंदेलखंड है। उसी प्रकार से बेटा जैसे चार क्षेत्र हुए एक पूरे प्रदेश में, ऐसे ही हमारी चार भाषाएं हैं, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंड और हिंदी। तो इन चारों भाषाओं के संवर्धन के लिए, समृद्धि के लिए, इनके पोषण के लिए, इनकी देखभाल के लिए एक आयोग का गठन आज से कई वर्ष पूर्व हुआ, 93 वर्ष। जितने आज तक के आपके साहित्यकार हैं, जयशंकर प्रसाद जी से लेकर महादेवी वर्मा से लेकर ऐसा नामदेव जी तक, कोई ऐसा नहीं था जिसकी चरण रज मेरी हिंदुस्तानी एकेडमी हमारे भाषा आयोग में ना पड़ा। उनके चित्र, उनका एक एक संकलन आयोग में आज भी संग्रहित है। कुछ समय बीच में ऐसा आया था, बिना किसी की निंदा करते हुए, आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं, जब ये चीजें बहुत इनका उतना देखभाल उनका सुचारू रूप से नहीं हो पाया, पुनः इस पर ध्यान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषा मंत्रालय अपने पास रखा, भाषा को उन्होंने अपने पास रखा और यही कारण है कि आज हम इसका उत्सव मना पा रहे हैं। उन्होंने इसके संवर्धन पर बहुत ध्यान दिया गया, एक एक रचना, एक एक पुस्तक हमारे कवियों की, हमारे लेखकों की वहां पर संग्रहित की गई। आप सभी को कभी मौका मिला, मैं ये जरूर चाहूंगी, अगर हमारी जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय और बेसिक शिक्षा अधिकारी आप सभी का सहयोग रहा, तो मैं बच्चों को एक बार वहां पर विजिट कराने के लिए, घूमने के लिए मैं चाहूंगी आप देखें कि जहां पर ऐसे लोग निकल के चले गए, ऐसे लोगों की चरण रज जहां पड़ी हो, उस स्थान, उस पवित्र स्थान को आप लोग देखिए और महसूस कीजिए। और आप आदर्श मानिए, मैं ये नहीं कहती किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व को मानिए, लेकिन अपने जीवन का एक आदर्श जरूर बनाइए। आपकी भी इच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर जैसे जिस तरह से एक महिला शक्ति, मातृशक्ति के रूप में आपकी डीएम साहिबा, आपकी बीएसए साहिबा आप लोगों के शब्दों में है, आज मैं आपके समक्ष हूँ, मेरी भी ये हार्दिक इच्छा है, आप लोग भी अपने मन में ये दृढ़ता लाइए कि मुझे भी ऐसा ही बने।